हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान शिव का कांवड़ लेकर भक्त हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने घरों के लिए लौट गए हैं। इसी क्रम में लाल कुआं क्षेत्र के शिव भक्त कांदों में जल भरकर अपनी यात्रा पूरी करते हुए लौटे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। इसकी वजह से भक्तों में काफी मायूसी का माहौल था, लेकिन इस साल फिर से ये यात्रा सरकार द्वारा वापस चालू कर दी गई है। कांवड़ लेकर पहुंचे भक्तों ने बताया कि यात्रा के दौरान बारिश होने से यात्रा कुछ बाधित रही, परंतु भगवान शिव के कृपा से सब कुछ काफी अच्छे से रहा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुछ नए लोग भी इस यात्रा में उनके साथ शामिल रहे। हम लोग 22 तारीख को यहाँ से सुबह लगभग 10 बजे सभी भोले एक जगह इकट्ठा हो गए। नागेश्वर महादेव जी में वहाँ से आज्ञा लेके सब लोग हरिद्वार के लिए जल भरने के लिए प्रस्थान किया। शाम को वहाँ पहुँच के रात्रि वहीं विश्राम करके अपने कांवर वगैरह ले के उनको सजा सुजुगे। सुबह हम 23 तारीख को सुबह सभी भोलों ने जल वहाँ से जल भरा और उसके बाद तत्पश्चात वहाँ से अपने हल्दीचौड़ के लिए यहाँ के लिए प्रस्थान किया। और रात में बारिश हो गई थी तो उससे थोड़ा दिक्कतें आई, फिर भी भोले बाबा का आशीर्वाद कहीं कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में भी रात में भी जल बहुत जगह गिरा, 2-3 दिन हुआ, लेकिन कहीं कोई ऐसे भोलों को परेशानी नहीं हुई और यात्रा बहुत अच्छी रही। इसमें एक गोकुल कतरादी भोले, इस साल उनका पहला साल था, नए थे, बाकी भोले सब अनुभवी भोले हैं और बहुत अच्छा आपस में तालमेल रहा। भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छी तरह यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।